कैटरीना कैफ को जितना अच्छा फिल्मी करियर रहा है उतना ही दिलचस्प इनका निजी जीवन भी रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैटरीना कैफ की प्रेम कहानी के चर्चे तो बॉलीवुड के भाईजान माने जाने वाले सलमान खान के साथ था। तो वही बताया जा रहा है कि कैटरीना कैफ अगर शादी करेंगी तो वो सिर्फ ही सलमान खान से करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि फिर कैटरीना कैफ को सलमान खान को छोड़कर बॉलीवुड के अभिनेता विक्की कौशल से शादी करनी पड़ी। इसकी वजह से मीडिया में हर जगह सुर्खियों में बनी हुई है कि वो चाहकर भी सलमान से शादी नहीं कर पाई। आज इस वीडियो में हम आपको कैटरीना कैफ के निजी जीवन के बारे में कुछ ऐसे ही खुलासे करके बताएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कैटरीना कैफ के बारे में बताएं तो उन्होंने अपने जीवन में नाम, इज्जत और पैसा सब कुछ कमाया है, जिसकी वजह से वो अपना जीवन बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत करती है। कैटरीना कैफ इस समय अपनी निजी जिंदगी की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में कैटरीना कैफ को लेकर एक बहुत बड़ी बात पता चली है, जो कि ये है कि कैटरीना कैफ चाहकर भी सलमान से शादी नहीं कर पाई हैं, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद सलमान खान हैं, जिसके बाद कैटरीना कैफ को विक्की कौशल से शादी करनी पड़ी। आखिरकार क्यों कैटरीना कैफ चाहकर भी सलमान से शादी नहीं कर पाई और क्यों सलमान को ही इनका जिम्मेदार भी बताया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि कैटरीना कैफ और सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान मना कर दिया था कि वो कैटरीना से भले ही प्यार करते हो लेकिन उनसे शादी नहीं करेंगे। इसी के पीछे की वजह बताते हुए सलमान ने ये भी कहा था कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ। सलमान के इसी बयान के कुछ समय बाद ही कैटरीना कैफ इनसे अलग हो गई और फिर कैटरीना कैफ ने सलमान का साथ छोड़ दिया। फिर भी कैटरीना ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचा और फिर उनकी प्रेम कहानी विक्की कौशल के साथ चलने लगी, जिसकी खबर किसी को भी नहीं लगी। जिसके बाद कैटरीना कैफ ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचा और विक्की कौशल से शादी रचा ली। विक्की कौशल से शादी करने के बाद कैटरीना कैफ काफी खुश है और अपनी शादीशुदा लाइफ को काफी अच्छे तरीके से व्यतीत भी कर रही है। तो दोस्तों, कैटरीना कैफ की निजी जिंदगी के बारे में जानकर आप कितने ज्यादा खुश हुए, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी रोजाना वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।